एक एक करके झाड़ू उठाओ। उठाओ जल्दी। इमली जी, आपके लिए स्पेशल झाड़ू मंगवाए क्या? हम ये सब करे काहे? विदेश में आपकी नौकरी लगवाई है। ए, उठा झाड़ू। दीदी, ये लोग सच में हमें मार देंगे। हमारे साथ एक लड़की थी, उसको भी इन लोगों ने मार दिया। आप प्लीज इनकी बात मान लीजिए दीदी, प्लीज। कई लोगन सच में सबका पासपोर्ट बनवावत है, नकली पासपोर्ट। मतलब ये लड़कियों को पकड़ के विदेश में जबरदस्ती भेज देते। सीता मैं ये राक्षस जीत नहीं सकते, हम इनका जीते नहीं दिए। मुझे तो तभी शक हो गया था कि सब में आपका हाथ हो सकता है। तो फिर इतना जीनियस प्लान और कौन बनाता? हाँ, बाय द वे मालिनी, ये है रजनी देवी। एंड रजनी देवी, ये है मेरी बेटी मालिनी। यू नो मालिनी, रजनी देवी मेरी सारी किटी पार्टी फ्रेंड्स से ज्यादा यूजफुल है, माय न्यू बेस्ट फ्रेंड। अबे तो सिर्फ जान पहचान हुई है, दोस्ती पक्की तब होगी जब लड़कियां वहां पहुंच जाएंगी। बहुत बढ़िया, एकदम सही से करो। अरे अरे, बट क्या कर रही हो? I'm really sorry, मेरी वजह से आपको जेल जाना पड़ा, लेकिन आप ये क्या कर रही है? एक गैंगस्टर को अपना बेस्ट फ्रेंड बना रही है? Come on, मालिनी, उस नौकरानी को हमारी और आदित्य की लाइफ से बाहर करने के लिए अगर मुझे गधे को भी बेस्ट फ्रेंड बनाना पड़े ना, तो भी मैं बना लूंगी। तुम बस इतना सोचो कि उस नौकरानी के जाने के बाद तुम और आदित्य कितने खुश रहोगे। आई मीन आई एम श्योर आदित्य अब उस नौकरानी को मिस कर रहा होगा, थोड़ी देर और मिस करेगा, लेकिन जब उसे उस नौकरानी का अता पता भी नहीं मिलेगा ना, तो उस नौकरानी को भूलने के सिवाय उसके पास कोई चॉइस नहीं रहेगी। फिर तुम देखना, तुम दोनों हमेशा साथ रहोगे, तुम आदित्य और तुम्हारा बेबी, हैप्पीली एवर आफ्टर। ये लो पोछे के लिए बाल्टी, सब डंडा आपस में ले लो और पोछा मार के बताओ कैसा मारोगी। जो उनका ही याद है ना? हाँ। तैयार हूँ। बोल संजू, क्या मतलब है सारी लड़कियां भाग गई? लड़कियों ने तुम जैसे मुस्तंडों को चकमा दे दिया। कान खोल के सुन संजू, कुछ ही घंटों में फ्लाइट टेक ऑफ होने वाली है, कहीं से भी ढूंढ के लाओ उन सबको। ये तो एक बात याद रख, रजनी सिर्फ नाम की देवी है। इमली भाग गई, अगर उसे पता चला कि आपका प्लान था तो
भाग गई। अब क्या होगा? मुझे तो लगा था कि टॉप की गैंगस्टर है, लेकिन अगर होती तो यहाँ जेल में थोड़ी ना होती। इसने तो हमारा सारा प्लान चौपट कर दिया। मालिनी, आप यहाँ क्या कर रही? मैं तो आदित्य, तुम मुझसे मिलने यहाँ तक आ गए। हाउ नाइस ऑफ यू। आपसे अच्छा बर्ताव करके आज तक हमें कुछ मिला है मिसेस चतुर्वेदी? और आज हमारी पत्नी किडनैप हुई है, तो आप अभी हमें बताएंगे कि अमरीका है? कहाँ छुपा के रखा है आपने उसे? जो बिचारी जेल में पड़ी है, जिसे एक टाइम भी ढंग का खाना नसीब नहीं हुआ, वही प्लानिंग करेगी ना किडनैपिंग की? यहाँ मुझे सांस लेने में भी मुश्किल हो रही है, और तुम्हें लग रहा है कि मेरे पास टाइम है किडनैपिंग प्लान करने का? आदित्य, मैं भी इसीलिए आई थी क्योंकि मुझे लगा था मॉम ने ही इमली को हार्म करने के लिए कुछ प्लान किया है, लेकिन मॉम को कुछ इसके बारे में नहीं पता। हे भगवान, जिस बेटी के लिए मैं जेल चली गई, उसी बेटी का मुझ पर से विश्वास उठ गया। हे भगवान, कैसे दिल दिखा रहे हैं आप मुझे? आदित्य, आप स्ट्रेस मत लीजिए, I'm sure इमली मिल जाएगी। I think हमें पुलिस में कंप्लेंट कर देनी चाहिए। सर, हमारा नाम आदित्य कुमार त्रिपाठी, हम एक एफआईआर दर्ज करवाना। बैठिए। सर, हमारी पत्नी का नाम इमली त्रिपाठी, उसे किसी ने किडनैप कर लिया है। क्या नाम बताया आपने? इमली त्रिपाठी, इमली आदित्य कुमार त्रिपाठी। आपके पास कोई फिरौती के लिए फोन या कोई चिट्ठी आई? नहीं सर, कोई फोन नहीं आया, कोई चिट्ठी नहीं आई, लेकिन वारदात के समय आप वहाँ पे थे? हाँ, हम वहाँ पर नहीं थे। आपकी वाइफ कितने दिन हो गया लापता हुए? कुछ ही घंटे हुए सर, लेकिन आप हमारी बात। लेकिन सर देखिए, सारे लेकिन आपके ठीक हो सकते हैं, लेकिन आपके पास कोई भी सबूत नहीं है। ऐसा भी तो हो सकता है कि आपकी वाइफ कहीं भाग गई। हमारी वाइफ कहीं भागी नहीं है सर, उसे किडनैप किया गया। हम आपको बता रहे हैं ना, आप हमारी पूरी बात तो सुनिए। पर हम ज्यादा से ज्यादा उनके लापता होने का केस दर्ज कर सकते हैं, वो भी 24 घंटे पूरे होने के बाद, किडनैपिंग का नहीं। आप समझ नहीं रहे सर, ये केस कितना सीरियस है। 24 घंटे में हमारी पत्नी को कुछ हो गया तो जिम्मेदारी आप लेंगे। आवाज ज्यादा नीचे बात सर, नीचे आवाज करके आपसे बात की तो आप नीचे धीरे बोल के, आपको समझ में नहीं आ रहा है ना, इसलिए आवाज ऊंची करनी पड़ रही है हमें। हाँ, वो पता नहीं वो हमारी पत्नी को कहाँ ले गए होंगे, क्या कर रहे होंगे। आपको याद होना चाहिए आप कहाँ हैं और किसके सामने बैठ के बात कर रहे हैं। मैं यहाँ का थाना इंचार्ज हूँ। कुछ नहीं, आपको बस आपकी कुर्सी से उठकर कोई मेहनत नहीं करनी और कुछ नहीं। एक अल्फाज भी नहीं बोलेंगे आप, तो जेल के अंदर डाल दूंगा। समझ में आया आपको? ढूंढते रहे अपनी बीवी को, समझाइए इनको आप। जी सॉरी सर। आदित्य, आप ये क्या कर रहे हैं? ऐसे तो बात और बिगड़ जाएगी। अरे, कुछ समझने करने की कोशिश ही नहीं कर रहे। इमली को कुछ हो गया तो कुछ नहीं होगा उसे, वो खुद ही वापस आ जाएगी। आप थोड़ा वेट तो कीजिए। हम जानते ना वो किडनैप हुई है। देखिए, 24 घंटे वेट कीजिए, अगर इमली वापस नहीं आई तो मैं पापा से कह दूंगी, वो कमिश्नर अंकल से बात कर लेंगे। देखिए, अगर कोई और कुछ करने नहीं वाला ना, तो हम अपनी पति को खुद ढूंढ लेंगे। आप यहाँ पर बैठिए अगले 24 घंटे। आदित्य, समझाइए इनको। सॉरी, देखो दारू नहीं दे रहा, पैसा नहीं है, अभी लाता मैं पैसा, देखते जा, अभी लाएगा मैं लाएगा पैसा, अभी रुक। कहाँ पर बैठकर शराब पी रहे हो? अरे कैसे कभी हो, जरूरत पड़ने पर फोन तक नहीं उठाते। सॉरी सर, मैं आज थोड़ा देख, तेरी बकवास सुनने के लिए हमारे पास वक्त नहीं है। हमारी पत्नी इमली त्रिपाठी किडनैप हो गई है अभी कुछ ही घंटे पहले। कहाँ से? घर से दो लोग आए थे, सरकारी अफसर बनकर, और इमली, अरे हमने फोटो भेजी ना उनकी, अपने सोर्सेस को कॉल करना। आप चिंता मत करो, बकवास मत कर, जल्दी से सोर्सेस को कॉल। मैं पता करता हूँ सर। जी, फोटो भेज पहले उनको, यहाँ पे फोटो दे, कॉल कर। हाँ, एक फोटो भेजा है, पता कर कौन है। एक मिनट सर, कॉल कर किसी और को, कॉल कर भवानी को, कॉल करना। चल कर कॉल कर। सुन, अरे भेजा ना भी फोटो। दो लोग आए थे, अरे दो लोग आए थे सरकारी ऑफिसर बन के। हाँ हाँ, फोटो भेजो।
फोटो देखने को बोल। देखा ना? हाँ बता बता बोल। हाँ बताइए। एक गैंग है जो लड़कियों को नौकर बनाकर देश से बाहर भेजते हैं। खबर पक्की है? बमलेश भाई 2 घंटे में फ्लाइट है, आप खुद चेक कर लो। थैंक यू, मैं एयरपोर्ट जाना होगा। आदित्य सर, आपको कैसे पता कि आपकी पत्नी उन लोगों के साथ है? अरे वो लोग बड़े घर की लड़कियों को नहीं उठाते। किसी पर शक तो है, लेकिन इस वक्त हमारा अपनी पति के पास पहुंचना बहुत जरूरी है। तो दिन में दर्दियां छोड़ दे, अपने काम पर ध्यान दे, समझे? तुझे फोन करेंगे जरूरत पड़ी तो, फोन उठाना अपना, समझा? पुलिस ने 24 घंटे तक कंप्लेंट लिखने से मना कर दिया है, लेकिन मॉम इमली अगर उससे पहले घर पहुंच गई तो वो हर बार बच के निकल जाती है। इस बार भी अगर वो, इस बार नहीं, अभी अभी फोन आया, सारी लड़कियों को दोबारा पकड़ लिया गया है। रजनी देवी अपने काम को लेकर बहुत पर्टिकुलर है। बेटा 24 घंटे भी नहीं, सिर्फ 2 घंटे। उस फ्लाइट को उड़ने में सिर्फ 2 घंटे हैं। जैसे ही वो फ्लाइट उड़ी, वो नौकरानी हमारी जिंदगी से हमेशा के लिए उड़ जाएगी। कहाँ जा रहे हैं आप लोग? सर ये लोग पेशेंट है, ट्रीटमेंट के लिए विदेश ले जा रहे हैं। आईडी शो गई? जी जरूर सर। ठीक है सर, थैंक यू सर। रुको, ये सब बेहोश कैसे हैं? ये पूरा ग्रुप इलाज के लिए बाहर जा रहे हैं, इनकी सहूलियत के लिए डॉक्टर ने इन्हें इंजेक्शन दिया है ताकि ये लोग फ्लाइट में आराम से सो सके। ऐसा कैसा मेडिकल रिक्वायरमेंट होगा भाई साहब? आप डॉक्टर तो नहीं है ना? हमारे पास इनके डॉक्टरों का ना रिपोर्ट है, आप देख सकते हैं। आप ठीक कहते हैं, हम डॉक्टर तो नहीं है, लेकिन ये सर्टिफिकेट और लेडीज की हेल्थ हमारे डॉक्टर चेक करेंगे। मिस्टर सिंह ड्यूटी पर होंगे, उनको बुलवाइए प्लीज। डॉक्टर ये सर्टिफिकेट देखना प्लीज। इनके डॉक्टर की रिपोर्ट सही है, फ्लाइट में टर्मिनेंस होने पर इनका ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है, इसीलिए इन्हें सीडेट किया गया है। थैंक यू डॉक्टर। ओके, वी मे गो नाउ। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू सो मच डॉक्टर सिंह, आपने सही वक्त पर आकर हमें बचा लिया। रजनी देवी को कहना पेमेंट भी टाइम पे भेज दें। बॉस, हमने सारे चेकिंग तो क्लियर कर लिए, पर अभी फ्लाइट में कुछ प्रॉब्लम तो नहीं होगी ना? तू टेंशन ना ले, हमने जो दवाई दी है ना उसका असर कुछ देर और रहेगा, तब तक फ्लाइट टेक ऑफ। एक्सक्यूज मी मैम, हम प्रेस से आदित्य कुमार त्रिपाठी।
हेलो बलवेश, अच्छा सुनो, यहाँ पे इमली त्रिपाठी नाम से कोई टिकट नहीं हुई है। उन लोगों ने नाम बदल के फेक पासपोर्ट पे टिकट्स करवाई है। तुम एक काम करो, तुम भवानी को फोन करो, उससे पूछो कि ये लोग यूजुअली लड़कियों को कहाँ ले जाते हैं। बाबू साहेब हमको देखिए, बाबू साहेब, बाबू साहेब हम यहाँ आए हैं, उनका देखिए ना। और अब जब हाथ उठा ही रही हो तो अपनी फैमिली को भी बाय बाय बोल दे। सुनो सुनो, तुम डरो मत, इमली मिल जाएगी, ठीक है? कैसे नहीं डरे, एक तो दीपक बुझ गया और तभी गुड़िया गायब हो गई। मैं मीठी, सुनो, मैं कमिश्नर को फोन लगाता हूँ। अगर कुछ उनका कुछ होगा तो हम डर। कुछ नहीं होगा, पुलिस ढूंढ लेगी उसे। पंकज भाई साहब, हरीश भाई साहब, बिना आवाज किए चुपचाप अंदर चल, वरना हमेशा के लिए मुंह बंद कर दूंगा। चल, कौन हो तुम लोग? चल छोड़ो, छोड़ो, क्या कर रहे, आप क्या कर रहे हैं? मनहूस, तू काहे भीतर चली आई है मरे खातिर? अरे बाहर रहती तो कम से कम बच्चे की उम्मीद तो थी। ए बुढ़िया, क्या चप्पर चप्पर कर रही है? यहीं टपका दूंगा, चुप कर। ना कछु ना, कछु ना। आधा इंटेलिजेंट बनने की कोशिश की ना, एक के गोली सब में डलवा दूंगा। सीता मैया, तुम्हारे पास तो हनुमान जी रहे, जौन तुम्हार संदेश राम जी तक ले गए रहे। ये कलयुग मा ना तो हम सीता है ना बाबू साहेब राम, फिर भी हम विनती करत है सीता मैया, हमार संदेश तक पहुँचाए दो ना। मैम, ये लड़की, इस लड़की को आपने देखा है एयरपोर्ट पे? ये 19 साल की लड़की है, आप ठीक से देखिए। नहीं, मैंने नहीं। सर, 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 इस लड़की को आपने एयरपोर्ट पे देखा क्या? नहीं, आते आते नहीं, मैंने। एयरपोर्ट छान मारा है, कहीं नहीं मिल रही। ऐसा तो नहीं हुआ कि उसकी फ्लाइट टेक ऑफ कर गई? ऐसा नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। बलमेश, कैन आई हेल्प यू मैम? कुछ चाहिए आपको? भाई साहब, भाई साहब, वो आपके इसके में एंगेज क्या? आपके जूते में कुछ छिपका हुआ है। उन्हें मन का साथ तेरा, तूने मन को अनुवास दिया, मन के हथेली पे तूने रख टूटा हुआ विश्वास दिया। दूर बहुत है हम दोनों अब, फिर भी मन को आशा है। ये तो इमली की हैंडराइटिंग है। मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक।
स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।